हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ, और इसमें सबसे पहले चीज़ जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, थैंक यू। 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे चैनल को, एंड ऐसे ही आप सभी प्यार देते रहिए। और इस महीने के एंड तक, अगले महीने के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो का मेन पर्पस ये था, इसमें बाइक में कुछ इश्यूज़ जो मैं ऑब्ज़र्व किया था वो दिखाना था आप सभी को, तो उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मोस्टली है कि रस्टिंग इशू मुझे दिख रहा है, मेनली चेन वाले पार्ट पे, तो वो दिखाना है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, और अभी कौन सा ल्यूब्रिकेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ, पहले मैं कौन सा यूज़ कर रहा था और अभी कौन सा यूज़ करूँगा, और कैसा वो उसका फीडबैक आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाइक को मैं बाहर में पार्क कर लिया हूँ। बाहर पार्क करने का रीज़न इसलिए था क्योंकि मुझे चेन का रस्टिंग आपको दिखाना था, और बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है तो उसको धुलवाने के लिए भी मैं ले जा रहा था। वॉश करवा कर लाऊँगा और उसके बाद इसमें लुब्रिकेंट डालूँगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रस्ट हो रखा है, और इतना रस्ट कहीं भी नहीं है और किसी पार्ट में इस बाइक के, सिर्फ चेन में है। तो अभी मैं इसको ले जाता हूँ वॉश करवाने के लिए, पास में ही है वॉशिंग के लिए, तो अच्छे से इसको नहला धुला कर इसमें मैं लुब्रिकेंट डालूँगा। वो भी मैं अभी दो नए लुब्रिकेंट ऑर्डर किया था, एक तो रेगुलर है जो मैं यूज़ कर रहा था, पर उसके बाद भी इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, रस्टिंग का इश्यूज़ आ रहा है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों आया है। और कुछ दिनों से, मतलब जब भी हम बाहर जाते हैं कहीं भी पार्क करते हैं, नॉर्मल सी बात है, और अभी बैंगलोर में बारिश भी हो रही है तो उसकी वजह से गीली भी हुई है बाइक अच्छे से, पर चेन पे इतना ज़्यादा रस्ट कैसे आया वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। होना नहीं चाहिए था इतना रस्ट, पर देखते हैं नया ल्यूब्रिकेंट कैसा रिज़ल्ट देगा इस पर लगाने के बाद। अभी तो इसको सोच रहा हूँ अच्छे से वॉश करवा लेता हूँ। तो एक शॉप था वो क्लोज़ है, अभी मैं दूसरे में जा रहा हूँ, ये भी नियर बाई ही है, हार्डली 200-300 मीटर और होगा आगे, और यहाँ से मोस्टली मैं कार वॉश करवाता हूँ। इनके चार्जेस नॉर्मल शॉप से थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्मली कार जहाँ 300-350 में कर देते हैं, ये लोग 500+ लेते हैं। और बाइक का मुझे आइडिया नहीं, बाइक यहाँ से फर्स्ट टाइम मैं वॉश करवाने जा रहा हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस वो भी बताऊँगा। और ये लोग कार डिटेलिंग भी करते हैं और बाइक डिटेलिंग भी, इस पे लैमिनेशन करवाना अगर है पूरे बाइक पे या कार पे तो वो भी करते हैं ये लोग। तो ये मैं आ गया हूँ, तो ये हमारी बाइक डबल स्टैंड पे लग गई है, और भैया से मैंने पूछ लिया रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर इनको अच्छा ना लगे, इसलिए सोचा पूछ के रिकॉर्ड करो। तो अभी प्रेशर वॉश कर रहे हैं, जैसे पानी के डस्ट और बहुत मट वट हुआ, और मोस्टली तो ये मड गार्ड के अंदर में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है, तो वो लोग धो रहे हैं इसको। और अभी ये फोम वॉश, फोम जो भी शैम्पू लगा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ही लगा रहे हैं, और हम भी घर पे करते हैं खुद से, पर पता नहीं क्यों इतना उससे क्रीम जैसा जो लेयर एक फॉर्म होता है वो नहीं आता है बाइक या कार दोनों पे ही, थोड़ा सा डाइल्यूटेड रहता है पानी पानी सा, पर ये लोग जब भी करते हैं पूरा एकदम एक लेयर बन जाता है गाड़ी के ऊपर में, तो अच्छा है। और ये लोग बताते भी नहीं कौन सा यूज़ करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, मैं तो अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था और वही यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो भैया ने फोम वॉश कर दिया है अच्छे से, और अब मोस्टली वाइप करेंगे, पोछेंगे इसको माइक्रोफाइबर वाली जो कपड़ा होता है वो उससे। तो अभी तो हट गया है हर जगह से डस्ट, ये सब जितना भी देखा हूँ मिट्टी विट्टी जगह जगह पे लगा हुआ था वो सब निकल गया है, और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है गंदा। तो भैया ने अच्छे से ही काम किया है, अच्छे से ही चमका दिया है बाइक को। तो अभी यहाँ का काम हो गया है, अभी घर वापस जाएंगे और इस पर हम अप्लाई करने वाले हैं नया लुब्रिकेंट, चेन लुब्रिकेंट या डस्ट रिमूवर, ये सब। आगे भाई कंस्ट्रक्शन की गाड़ी जा रही है, और स्पीड ब्रेकर, तो ओवरटेक करना थोड़ा
थोड़ा रुक कर ही करना पड़ेगा, अभी निकाल सकते हैं, गियर डाउन करके कभी भी कभी खींच सकते हैं बाइक को। ओवरटेक में तो भाई मक्खन है, और स्पीड ब्रेकर पे तो आपको सोचना भी नहीं है, जब मन हो उछाल दीजिए, बाइक पे खड़े हो जाइए, मस्त एकदम चलेगा, कोई टेंशन नहीं कि डिसबैलेंस होगा, कुछ भी होने वाला है। अभी फिर से ब्लॉक, आगे पीछे दोनों गाड़ी है, जगह मिले तो निकालता हूँ इधर से, लेफ्ट राइट तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक, स्पीड ब्रेकर। रोड थोड़ा नैरो है, एक ट्रक भी आता है तो पूरा ही ब्लॉक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ही डस्ट इससे आ रहा है मुंह पे, तो इसको जल्दी से निकालता हूँ। पहले दूसरे गियर में तो आप कैसा भी ओवरटेक करना हो, आपको पावर थोड़ा सा भी कम फील नहीं होने वाला है बाइक पे। बस एक ध्यान रखिए, जब भी टर्न करना हो बाइक को, तो उस टाइम पे ब्रेक का जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, स्पीड बस कम रखें और ब्रेक कम लगाएं, जिससे डिसबैलेंस होने का खतरा नहीं रहता है। स्टार्टिंग में तो मुझे उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, डिसबैलेंस हो रहा था बाइक बार बार, तो अभी वो प्रॉब्लम तो चला गया है, अब डिसबैलेंस नहीं होता है, क्योंकि आइडिया लग गया है कि जब भी टर्न कर रहे हैं, हैंडल मुड़ा हुआ हो, उस टाइम पर हमें घुमाने ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर पूरा आगे का तुरंत लॉक हो जाता है। तो आगे हम लुब्रिकेंट लगा कर आपको दिखाने वाले हैं कौन सा यूज़ करेंगे, और पार्किंग में पहुँच कर ही मैं ये करूँगा। तो हम पार्किंग में अभी आ गए हैं, थोड़ा गंदा है, अभी देख सकते हैं बाइक पूरी चमक गई है, थोड़ा थोड़ा अभी भी पानी लीक हो रहा है इधर उधर से जो भी स्टोर था, और ये चेन बहुत ही ख़राब बुरा लग रहा है देखकर, इतना ज़्यादा रस्ट हो गया होंडा। अब पता नहीं चेन की क्वालिटी ख़राब है, या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या बारिश ऐसी हुई है कि चेन इतना ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो चलिए अब लुब्रिकेंट करना स्टार्ट करते हैं, डबल स्टैंड पे लगाकर मैं न्यूट्रल में डाल दिया हूँ गाड़ी को, और गाड़ी बंद है, मैनुअली मैं हाथ से ही रोटेट करके इस पे पूरे पे लगाऊंगा। अरे यार गंदा हो गया हाथ। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, आपके बाइक में भी ऐसा कुछ इश्यू आ रहा हो तो, या क्या सॉल्यूशन है इसके लिए, जिससे इस तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस ना हो, क्योंकि अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो मैं लुब्रिकेंट यूज़ कर रहा था इससे पहले, वो था WD-40, मैं ये यूज़ कर रहा था, फिर से मैंने मंगवा लिया, अभी ऑफ़र में था तो एक और मैं मंगवा लिया हूँ नया, ये अराउंड 350-60 का 400 ml वाला आया है, और जो अभी नया मैं मंगवाया हूँ ये है, ये एशियन पेंट का इजी CB कुछ करके नाम है इसका, और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में आ रहा था वहाँ पे, और रिव्यूज़ भी लग रहे थे, तो मैं सोचा इसी को मंगवा के इस बार ट्राई करके देखता हूँ किस तरह का काम आएगा, कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो चलिए पूरे चेन पे आप आराम से टायर घुमा घुमा कर धीरे धीरे आप लगा सकते हैं, और अभी तो पूरे हाथ पे भी मेरे लग रहा है हाथ को ही लुब्रिकेट कर रहा हूँ इतना ज़्यादा हो गया, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो ऑलमोस्ट पूरे चेन पे अब लग गया है, और मैं आपको बताता रहूँगा कैसा इसका रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो भी डस्ट और गंदा पड़ा था चेन में, वो भी नीचे निकल के गिर गया है, और मोस्टली मैं क्लीनिंग के टाइम भैया को बोल दिया था कि क्लीन कर दीजिएगा। पूरे पे मैंने लुब्रिकेट डाल दिया है और पूरा हाथ गंदा हो गया है, अभी इसको अच्छे से हाथ को भी धोना पड़ेगा, स्मेल आ रहा है गंदा सा। और अगले वीडियो में मोस्टली हाइनेस के साथ इसका कंपैरिजन बनाऊंगा, या फिर मिटियोर 350 के साथ, तो जैसा भी होगा मैं आपको चैनल पे पोस्ट करके बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और किस पे कंपैरिजन वीडियो डालना है वो आप बता सकते हैं। और एक भाई ने पूछा था हीटिंग इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं, तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ, जब भी हम हैवी ट्रैफिक में चला रहे होते हैं तो बाइक गर्म होता ही है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, पर उस टाइम ट्राई कर सकते हैं पैर को जितना डिस्टेंस पर रख सकते हैं इंजन का, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बिना